हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल फिक्स चैनल। आज की वीडियो में हम जीमेल की ऑफिशियल एप्लीकेशन को मैकबुक में या किसी भी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करने का तरीका सीखने वाले हैं। अगर आप जीमेल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और आपको बार बार ब्राउज़र में जाकर जीमेल ओपन करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आज हम जीमेल की एप्लीकेशन को मैक में इंस्टॉल करने का तरीका सीखेंगे। अगर आप जीमेल की एप्लीकेशन को मैकबुक में इसके ऐप स्टोर में जाकर डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च बार में जीमेल सर्च करके ओपन करता हूँ जीमेल ऐप, तो जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करते हैं या आपने किया भी होगा, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, जीमेल ऐप, जीमेल, जीमेल फॉर ओपन फ्लाव ना। लेकिन ये कोई भी ऐप ऑफिशियल ऐप नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी जो एप्लीकेशन है वो जीमेल की तरफ से ऑफिशियल एप्लीकेशन नहीं देगी, ना ही पेड में और ना ही फ्री में है। तो आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह से ऑफिशियल एप्लीकेशन को मैक में इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन करना है जिसमें आपका जीमेल अकाउंट साइन इन हो, जैसे कि मेरे इस गूगल क्रोम ब्राउज़र में जीमेल का अकाउंट साइन इन है। मैं इसे यहाँ से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने जीमेल अकाउंट जब ओपन हो जाएगा, तो आपने यहाँ से थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है और इसके बाद मोर टूल्स में जाने के बाद क्रिएट शॉर्टकट पर जाना है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर इसका नेम लिखा हुआ है जीमेल, इसके बाद आपने यहाँ पर चेक मार्क लगा देना है ओपन एज विंडोज़ पर, और उसके बाद आपने यहाँ से क्रिएट बटन पर क्लिक करना है। और इसके बाद आपने जो ब्राउज़र ओपन किया था उसे आप क्लोज कर दें, और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो जीमेल की ऑफिशियल एप्लीकेशन है यहाँ पर ओपन हो चुकी है। जैसे कि मैं यहाँ से इसे क्रॉस करके बंद करके दोबारा ओपन करूँगा लॉन्च पैड में जाकर, यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्च पैड में भी आ चुकी है। तो जैसे ही आप यहाँ से जितनी बार भी क्लोज करके इसे ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आपकी जो जीमेल की ऑफिशियल ऐप है वही ओपन होगी। इसके अलावा कोई भी आपको दूसरी ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस तरह से जीमेल की ऑफिशियल एप्लीकेशन को मैक में बहुत आसान तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, और आपको इस तरह ऐप स्टोर में जाकर किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।